Hello friends. So friends, let us continue with process costing. So in the process costing, what we were discussing about, valuation of WIP. Right? Work in progress. ठीक है जी. तो वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यू आई पी में हमने क्या देखा था, एक तो हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, राइट, देन वी कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, देन वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, राइट, एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, राइट. Then we discussed about normal loss, right, and its treatment in the statement of equivalent production. Then we talked about abnormal loss and its treatment in the statement of equivalent production. So this is the what we have covered in the valuation of WIP, right. Now in this lecture, what we are going to do is we are going to talk about the two methods of valuation of WIP. Methods of valuation of WIP, that is FIFO and weighted average. ठीक है जी, दोनों methods हम इसी lecture में cover कर लेंगे, right? कोशिश करेंगे कि दोनों methods हम इसी lecture में cover कर लें, right? So now let us discuss about it. So let us first take the FIFO method. सबसे पहले हम लेते हैं FIFO method. राइट, अब ध्यान से समझना, मैं एक टाइमलाइन समझाऊंगा, राइट. व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू इज अ टाइमलाइन. उस टाइमलाइन से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फीफो मेथड में हमें क्या कहा गया. ध्यान से समझना. पहले अब देखते हैं कि हमने जो अभी तक समझा, जो हमने अभी तक कवर किया, पहले वो देखते हैं. मैंने कहा कि 1 सितंबर 2018 को मैंने एक प्रोसेस में इनपुट किए से 10,000 यूनिट्स. ठीक है जी. उसके बाद हमने कहा कि जब 30th सितंबर आई, 30th सितंबर 2018 को, उसमें से मेरे पास आउटपुट में दो पार्ट्स थे. एक तो था मेरा आउटपुट जो फिनिश्ड गुड्स, और एक मेरे पास था क्लोजिंग WIP. इसमें से मेरे 8,000 यूनिट्स जो थे वो थे फिनिश्ड गुड के, और 2,000 मेरे WIP था. हमने अभी तक ये किया. फिर हमने देखा डिग्री ऑफ कंप्लीशन. जब हम फिनिश्ड गुड्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं 100%. जब क्लोजिंग WIP की बात करेंगे तो हमने कहा कि क्लोजिंग WIP पे रॉ मटेरियल 100% लग गया था, लेकिन जो हमारी कन्वर्जन कॉस्ट थी वो अभी 50% ही इनकर हुई थी. 50% तो अभी होनी है. तो इस चीज़ की हमने स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैसे बनानी है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करनी है, दैट वी हैव डिस्कस्ड, राइट. So this is the part that we have discussed so far in the valuation of WIP. Now comes the second part. Second part क्या है हमारे पास, अगर ये 30-9 थी तो अब हम बात करते हैं 1st of October 2018 की. अगर यहां पर मेरे पास 2000 यूनिट्स अभी क्लोजिंग WIP में थे तो 1-10 को ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, 1-10 को मेरे पास ओपनिंग WIP आ जाएगी. ये अभी 2000 यूनिट्स जो थे ये अभी WIP में है, ये फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुए. अगर यहां पर क्लोजिंग है तो नेक्स्ट डेट जो अगला मंथ शुरू हुआ, 1st अक्टूबर आई, तो 1st अक्टूबर को ये मेरे पास क्या होंगे, ये मेरा ओपनिंग बन जाएंगे. क्या आएगी ओपनिंग WIP आएगी 2000 यूनिट्स की. ठीक है जी. अब इस पर डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है, रॉ मटेरियल 100% है और जो मेरी कन्वर्जन कॉस्ट है वो 50% हो चुकी है, 50% अभी होनी है. क्लियर. मैंने यहां पर, चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं. चलो जी ठीक है.
थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो 1 अक्टूबर को ये मेरे पास ओपनिंग आ गई WIP की 2000 यूनिट्स, जिसके ऊपर रॉ मटेरियल 100% लग चुका है, लेकिन जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो अभी 50% ही लगी है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, फिर मैंने कहा कि इस मंथ में मैंने और इनपुट किए 10,000 यूनिट्स। क्लियर है? 2,000 यूनिट्स दिस बिलोंग टू द प्रीवियस पीरियड एंड ऑन 1st of October आई हैव द इनपुट ऑफ अनदर 10,000 यूनिट्स इनटू दैट प्रोसेस। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट, दैट इज 31st of October 18, राइट? अब यहां पर क्या होगा, मेरे पास यहां पर कुछ फिनिश्ड गुड्स होंगे और यहां पर मेरे पास कुछ क्लोजिंग WIP भी बचेगी, ठीक है जी। तो अब फिनिश्ड गुड्स के भी मेरे पास, अब मैंने कहा फिनिश्ड गुड्स कितने हैं मेरे पास, मैंने कहा 8,000 फिनिश्ड गुड्स आए। अब मेरे पास ये बताओ कि क्लोजिंग WIP क्या होगी। अभी मैं नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस का मैंने यहां पर कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, आई एम टेकिंग इट वेरी सिंपल, ठीक है जी। अब मेरे को बताओ क्लोजिंग WIP क्या आएगी, क्या 2000 आएगी या 4000 आएगी। नाउ इट इज अप टू यू टू डिसाइड कि वो जो क्लोजिंग WIP है वो 2000 आएगी या 4000 आएगी। अब ये बताओ कि इनपुट कितनी थी, 10,000 थी, लेकिन जो पिछले पीरियड के 2000 पड़े थे वो भी तो इस पीरियड की इनपुट बनेगी हमारी, बिल्कुल ठीक है। तो टोटल इनपुट कितनी हुई, 12,000 यूनिट्स की हुई या नहीं हुई, क्योंकि वो 2000 यूनिट्स भी तो इस पीरियड में हमें प्रोसेस करने हैं अभी। क्लियर है? तो यहां पर जो क्लोजिंग WIP है वो कितनी आएगी, 4,000, ठीक है जी। इतना पार्ट क्लियर है कि 4,000 कैसे आया, क्लियर है? क्योंकि हमने पिछले पीरियड का जो 2000 है वो भी तो इस महीने की हमारी इनपुट है, क्योंकि वो अभी प्रोसेस होना है इस मंथ में, प्लस 10,000 जो और इनपुट कर दिया हमने, तो टोटल 12,000 की इनपुट थी, उसमें से 8,000 मेरा फिनिश्ड गुड हो गया और 4,000 मेरी क्या आ गई, क्लोजिंग WIP। क्लियर है? चलो अब अगला पॉइंट। अब ये जो 8,000 फिनिश्ड गुड्स आए सर, इसके भी दो एलिमेंट्स हैं, एक तो है ओपनिंग और एक है करंट पीरियड। तो जब हम फीफो मेथड की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये जो फिनिश प्रोडक्शन हुई, इसमें सबसे पहले तो हमने ओपनिंग प्रोडक्शन को, जो ओपनिंग WIP थी, हमने उसको कंप्लीट किया, राइट? फीफो मेथड में क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास ओपनिंग WIP थी 2000 यूनिट्स की, हमने सबसे पहले वो 2000 यूनिट्स प्रोसेस करके कंप्लीट किए। इसका मतलब है जो 8,000 मेरी फिनिश्ड गुड्स की प्रोडक्शन है, उसमें से 2000 मेरी क्या है, WIP की प्रोडक्शन है, और जो करंट पीरियड के 10,000 थे उसमें से फिर कितने हुए, 6,000 यूनिट्स। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड की, अगर हमारे पास जितनी भी फिनिश्ड गुड्स की प्रोडक्शन है, जितनी फिनिश्ड गुड्स की प्रोडक्शन है, उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से हम मानेंगे कि पहले जो हमारा ओपनिंग WIP था हमने वो कंप्लीट किया, उसके बाद करंट ईयर की इनपुट को प्रोसेस किया। तो उसके क्या कर दिए मैंने, दो पार्ट्स बना दिए, एक तो हो गया ओपनिंग, एक हो गया करंट पीरियड। और ओपनिंग को हम मान के चलेंगे कि हमने ओपनिंग यहां पर जाकर कंप्लीट कर दिया। अब कितना कंप्लीट किया, 50% तो पिछले पीरियड में हो गया था, अब इस पीरियड में कितना हुआ, रिमेनिंग 50%, ठीक है जी। और बाकी करंट पीरियड में ये 6,000 की प्रोसेसिंग की हमने। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसको अभी प्रैक्टिकली कैसे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में करना है वो हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेंगे। मैं सिर्फ यहां पर सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था कि हमारे पास ओपनिंग WIP कैसे आई, और जो लास्ट में जाकर हमारे पास इनपुट कितनी लेंगे और उसके हिसाब से क्लोजिंग WIP कितनी आएगी, प्लस जो हमारी फिनिश्ड प्रोडक्शन है उसके दो पार्ट्स होंगे, एक होगा ओपनिंग, एक होगा करंट पीरियड की इनपुट से जो प्रोडक्शन निकली।
ठीक है। और फीफो मेथड में हम लोग क्या मानेंगे कि सबसे पहले जो हमारी डब्ल्यू ओपनिंग, जो ओपनिंग डब्ल्यू आई पी थी हमने वो कंप्लीट की, उसके बाद करंट पीरियड की इनपुट को प्रोसेस करके हमने एफ जी तैयार किया। क्लियर है? ठीक है जी। चलो अब क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और साथ साथ में देखते हैं कि फीफो को हम कैसे एक्चुअल में अब जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की हमने स्टेटमेंट बनानी है या कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, जो वैल्यूएशन करनी है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको इसकी भी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। ये जो हमारे पास यहाँ पर ओपनिंग डब्ल्यू आई पी आई, क्योंकि इस पीरियड में भी तो उसके ऊपर काम हुआ, अगर काम हुआ तो कुछ ना कुछ खर्चा भी हुआ, बिल्कुल ठीक है, अगर खर्चा हुआ तो इसकी वैल्यूएशन भी करेंगे हम लोग, ठीक है जी। चलो अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं साथ साथ में समझ लेते हैं इसको। लेट सी, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द प्रोसेस ए फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी 1999 प्रोडक्शन रिकॉर्ड, यूनिट्स इन प्रोसेस एज ऑन 1st of February 99 4000, ऑल मटीरियल यूज्ड, 25% कंप्लीट फॉर लेबर एंड ओवरहेड। लेबर एंड ओवरहेड क्या है, हमारी कन्वर्जन कॉस्ट है, वो कहता है सिर्फ 25% हुआ है पिछले पीरियड में, ठीक है जी। न्यू यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 16,000, यूनिट्स कंप्लीटेड 14,000, यूनिट्स इन प्रोसेस एज ऑन 28th of February 99 6,000, ऑल मटीरियल यूज्ड, 33.3% कंप्लीट फॉर लेबर एंड ओवरहेड। कॉस्ट रिकॉर्ड्स बता दिए हमारे पास कि जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की जो ओपनिंग वैल्यूएशन क्या थी, 1 फरवरी को हमारे पास वैल्यू क्या थी उस ओपनिंग की, ठीक है जी। मटेरियल दे दिया, कन्वर्जन कॉस्ट दे दी, कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ दे दी, मटेरियल इतना, लेबर इतना, ओवरहेड जितना, प्रिज्यूमिंग दैट द एवरेज मेथड ऑफ इन्वेंट्री इज यूज्ड, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर ईच एलिमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट फॉर द प्रोसेस ए, यूज फीफो मेथड टू डिटरमिन द अबव रिक्वायरमेंट्स। बहुत फास्ट बोल गया मैं, राइट, आप लोग पढ़ सकते हो, ओके जी, वीडियो पॉज कर लो, आराम से क्वेश्चन पढ़ लो, समझ लो, ठीक है। उसके बाद जो अभी टाइमलाइन बनाई वो एक बार दिमाग में याद कर लो अपने पास, राइट, करें क्वेश्चन, बनाए स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। चलो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूजिंग फीफो मेथड, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूजिंग फीफो मेथड, तो अब हमारे पास क्या हुआ, इनपुट पर्टिकुलर्स मटेरियल कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट। एग्जाम में आप लोग बिल्कुल प्रॉपर सारा फॉर्मेट बनाओगे, ठीक है जी, कन्वर्जन कॉस्ट। अब बताओ इनपुट कितनी है, अब उसने क्या बोला, उसने कहा 4000 यूनिट्स जो पिछले महीने से आए हमारे पास, और इस महीने में कितने इंट्रोड्यूस किए, 16,000। इनपुट कितनी हुई, 4000 यूनिट्स की, कितनी दी है, ओपनिंग, ठीक है जी, और कितने यूज किए हमने, 16,000, ठीक है जी। ये क्या मेरे करंट पीरियड की जो हमने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए, करंट पीरियड के कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए हमने, क्लियर है। तो ये टोटल इनपुट कितनी होगी, 20,000 की। अब आते हैं आउटपुट पे, यहां पर एक हमारे पास आएगा क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी। चलो जी अब आउटपुट पे आ गए, अब उसने कहा इस पीरियड में यूनिट्स कितने कंप्लीट किए, 14,000 यूनिट, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर उसने कहा फिनिश्ड गुड्स कितने, 14,000। तो 14,000 में से इसके दो पार्ट्स होंगे, एक तो होगा ओपनिंग और एक होगा करंट पीरियड। तो ओपनिंग कितना था यहां पर, ये जो 14,000 है इसके दो पार्ट्स होंगे, एक तो होगा यहां पर ओपनिंग, एक होगा करंट पीरियड। अब फीफो मेथड हमें क्या बोलता है, फीफो मेथड बोलता है कि सर जो ओपनिंग यूनिट्स थे इन प्रोसेस डब्ल्यू आई पी में, हम सबसे पहले उसको कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब है कि ये जो 14,000 यूनिट प्रोसेस किए उसमें से सबसे पहले हमने 4,000 यूनिट्स जो थे वो ओपनिंग जो पेंडिंग थे वो कंप्लीट किए। तो करंट पीरियड में से कितने किए हमने, 10,000 यूनिट्स, ठीक है जी।
तो यहां पर आउटपुट 4000 और ये 10000, क्लियर। अब क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी क्या आई, टोटल इनपुट कितनी थी 20000 की, आउटपुट कितनी हुई 14000 की, तो 6000 क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी है। अब यहां पर जो करंट पीरियड की कॉस्ट है, इसको तो मैं 100% लेके चल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये बताओ जो ओपनिंग था 4000, इस पे मटेरियल कितना लूंगा मैं, क्वेश्चन पढ़ो और मेरे को बताओ कि जो ओपनिंग है मेरे पास 4000 यूनिट्स, उस पे मैं मटेरियल कितना लूंगा। उस पे मटेरियल मैं कुछ भी नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि यहां पर उसने बोला कि पिछले महीने में ही सारा के सारा मटेरियल यूज हो गया था उसमें, तो जब कुछ यूज होना नहीं था तो मैं क्यों लूंगा, क्लियर है। अब आता ही कन्वर्जन कॉस्ट की, तो कन्वर्जन कॉस्ट के लिए उसने कहा पिछले महीने में 25% कंप्लीट हो गया था, तो इस महीने में कितना कंप्लीट हुआ होगा, 75%। तो इसकी यहां पर कन्वर्जन क्या होगी, 75%, और इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या हो गए, 3000, क्लियर। अब ये चीज क्लियर है, ये चीज ध्यान से रखने वाली है कि जो ओपनिंग 4000 थे उसके बारे में हमें कहा गया कि मटेरियल तो उसका यूज हो गया पिछले पीरियड में सारा के सारा, तो इस पीरियड में मटेरियल की कॉस्ट तो कुछ भी नहीं हुई, और जो कन्वर्जन कॉस्ट थी वो पिछले पीरियड में अभी सिर्फ 25% ही लगी थी, तो इस पीरियड में कितनी लगी होगी, 75%। तो 75% के इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल लिए हमने, क्लियर है। अब आए क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी पे, मटीरियल 100%, 6000, और कन्वर्जन कॉस्ट 33 1/3%, दिस कम्स टू 2000, ठीक है जी। तो मेरे पास इनपुट क्या थी, 20000 यूनिट्स की, आउटपुट भी ले ली हमने 20000 यूनिट्स। अब मटेरियल कितने यूनिट्स पे लगा, 16000 पे, और जो कन्वर्जन कॉस्ट थी वो कितने पे लगी, 15000 पे। क्लियर है, ठीक है जी। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, पर्टिकुलर्स कॉस्ट देन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर यूनिट। चलो जी, अब आई मेरे पास मटेरियल कॉस्ट। अब मेरे को बताओ इस पीरियड की मटेरियल कॉस्ट क्या। अब उसने दो मटेरियल कॉस्ट दिया है, एक तो जो डब्ल्यू आई पी हमारा ओपनिंग था उसकी मटेरियल कॉस्ट, एक दी इस पीरियड की। अब हम यहां पर कौन सी कॉस्ट लेंगे, ये चीज ध्यान रखना जब हम ये स्टेटमेंट बनाएंगे कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की। यहां पर सिर्फ हम लेंगे कौन सी, सिर्फ करंट पीरियड की कॉस्ट लेंगे, यहां हम पिछले पीरियड की कॉस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो इस चीज का खास करके ध्यान रखना कि यहां पर जब भी कॉस्ट लेंगे तो इट विल ओनली बी ऑफ द करंट पीरियड। तो करंट पीरियड की मटेरियल कॉस्ट क्या है, 25600, और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या है, 16000 यूनिट्स। तो कॉस्ट पर यूनिट बता सकते हो मुझे, कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी, 1.6, ठीक है जी। दूसरा, फिर आई मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट क्या आएगी मेरे पास, 15 + 15 = 30000, और मेरे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या हैं, 15000, सो द कॉस्ट पर यूनिट इज 2 rupees, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट क्या आई, 3.6, क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो जी, अब हम करते हैं जो हमने कहा था वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, अभी तक हम यही कर रहे थे, लेकिन यहां पर अब हमें एक और वैल्यूएशन करनी है जिसको हम बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग डब्ल्यू आई पी।
चलो अब मैं बोलूंगा वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग WIP एज ऑन 28th of February 1999. तो इसमें एक तो मेरे पास आएगी ओपनिंग वैल्यू ऑफ, सर ओपनिंग वैल्यू तो हमें दी गई है, कितनी थी 8000 रुपये. हमें उसने कहा था कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने प्रोसेस में इनपुट किया तो उसकी वैल्यू थी 8000 रुपये. ये कहां से आई होगी, ये पिछले महीने के प्रोसेस से आई होगी, ठीक है जी. प्लस करंट पीरियड कॉस्ट. अब करंट पीरियड कॉस्ट मुझे बताओ कैसे आएगी, जो हमारा ओपनिंग WIP था उसके ऊपर करंट पीरियड में क्या काम हुआ और उसकी कॉस्ट क्या आएगी. क्या मटेरियल कॉस्ट कुछ आएगी उसकी, मटेरियल का तो काम ही नहीं हुआ तो मटेरियल कॉस्ट कैसे आएगी. क्या कन्वर्जन कॉस्ट आएगी, बिल्कुल आएगी. कितने यूनिट्स पे आएगी कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट आएगी मेरे पास 3000 यूनिट्स पे. एंड व्हाट इज द पर यूनिट रेट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, 2 रुपीज, ठीक है जी. तो 6000. अब ये जो टोटल 14000 है ये मेरे पास क्या आई, ये मेरे पास आई कॉस्ट ऑफ 4000 कंप्लीटेड यूनिट्स. तो टोटल कंप्लीटेड यूनिट्स मेरे कितने थे, 14000. तो बाकी के 10000 की कैसे करेंगे हम. अब कॉस्ट ऑफ 10000, जो रिमेनिंग 10000 थे वो क्या थे, वो इस पीरियड की इनपुट में से जितने हमारी आउटपुट निकली थी 10000 और इसकी कॉस्ट क्या लेंगे 3.6. कहां से आई, सर इस पीरियड की जो इस पीरियड में जो 10000 यूनिट्स थे वो इस पीरियड की इनपुट में से थे. तो इसमें तो मटेरियल भी लगी और कन्वर्जन कॉस्ट भी लगी, कितनी लगी टोटल लगी, तो 3.6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. क्लियर है, इसमें क्या हुआ टोटल कॉस्ट लगी हमारे पास, तो ये कितनी आई 36000 की. सो टोटल 15000 इज माय कॉस्ट ऑफ 14000 कंप्लीटेड यूनिट्स. समझ में आया ये पार्ट या नहीं. इसमें मैंने अब क्या किया, मैंने दोनों चीजें कर दी, इसमें वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग WIP भी कर दी और वैल्यूएशन ऑफ, यहां पर मैंने क्या कर दिया, यहां पर वैल्यूएशन ऑफ FG भी कर दी मैंने. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना. जब हमने ओपनिंग WIP की बात की, ठीक है जी, ओपनिंग WIP में 4000 यूनिट्स थे, उस पर कुछ खर्चा हुआ था पिछले महीने में, वो कितना हुआ था, उसकी वैल्यू हमें आ गई 8000 रुपये. कुछ खर्चा हुआ इस महीने में, क्यों, क्योंकि पिछले महीने में तो यूनिट्स कंप्लीट नहीं हुए थे, इस महीने में कंप्लीट हुए जब, तो कुछ ना कुछ एक्सपेंस तो हुआ, तभी तो यूनिट्स कंप्लीट होंगे, बिना खर्चे के तो आप कोई काम नहीं कर सकते. वो खर्चा हुआ 75%, हमने मान के चले 3000 यूनिट्स पे और 2 रुपीज के हिसाब से. हमने 2 रुपीज क्यों लिया, क्योंकि इस पीरियड में ओपनिंग WIP पे कोई भी मटेरियल की कॉस्ट नहीं थी, सिर्फ क्या थी कन्वर्जन कॉस्ट, और कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट क्या है मेरे पास 2 रुपीज. इतना क्लियर है. तो 4000 यूनिट्स की कंप्लीट करने की कॉस्ट आ गई, कि 8000 पिछले महीने में लगी, 6000 इस पीरियड में लगी, टोटल 14000 लगे थे इस 4000 यूनिट्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है जी. फिर मेरे पास आई वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स. अब जब मैं फिनिश्ड गुड्स की वैल्यूएशन करूंगा, मेरे पास फिनिश्ड गुड्स थे कितने 14000 के, उसमें दो पार्ट्स थे, 4000 जो था वो ओपनिंग WIP थी, उसकी तो वैल्यूएशन मैंने कर दी 14000, बाकी कितने बचे 10000. 10000 जो थे वो मेरे थे करंट पीरियड के. अब करंट पीरियड में इन 10000 यूनिट्स पे मटेरियल कॉस्ट भी लगी और कन्वर्जन कॉस्ट भी लगी, तो मैं क्या लिया मैंने 10000 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट क्या है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट 3.6, तो मैंने उससे मल्टीप्लाई करके 10000 यूनिट्स की कॉस्ट भी ले ली.
फिर मैंने क्या कहा कि टोटल 14,000 यूनिट्स बनाने की मेरी कॉस्ट क्या आई, 50,000। क्लियर? चलो जी, अब रह गया हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग WIP। अब जो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग WIP है, अब कितने यूनिट्स हैं, पहले दो 6,000 यूनिट्स हैं। अब ये 6,000 यूनिट्स ओपनिंग में से हैं या करंट पीरियड में से हैं? ध्यान से सुनो, मैंने क्या पूछा कि जो मेरे पास क्लोजिंग WIP के 6,000 यूनिट्स हैं वो ओपनिंग WIP यूनिट्स में से हैं या करंट पीरियड की इनपुट में से हैं? सर, करंट पीरियड की इनपुट में से हैं। क्लियर है? इतना बात क्लियर है? चलो, अब मटेरियल की कॉस्ट उस पर कितनी है। मटेरियल तो पूरा के पूरा लग गया 6,000 यूनिट्स पे, तो RM कितना है, 6,000 यूनिट्स 6,000 इंटू 1.6 9,600। और कन्वर्जन कॉस्ट अभी लगी है सिर्फ 2,000 यूनिट्स पे, कितने रेट से, 2 रुपीस के हिसाब से, तो 4,000, ये हो गया 13,600 जो है वो मेरी, सॉरी 13,600। दिस इज माई वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP, राइट? दिस इज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP। ठीक है जी, क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यू। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहां पर समझने वाला, वो ये था कि ओपनिंग WIP को हमने कैसे लेना है। हमने लेना है कि पिछले पीरियड में कितना खर्चा हुआ था, करंट पीरियड में कितना खर्चा हुआ, टोटल वो 4,000 यूनिट्स को कंप्लीट करने का खर्चा कितना है, बस। ठीक है जी, फिर करंट पीरियड में जितने यूनिट्स कंप्लीट किए उसका खर्चा निकाल लो, जितने करंट पीरियड के कैरी फॉरवर्ड हुए क्लोजिंग WIPI उसका खर्चा निकाल लो। सिंपल है? अभी तो सर मुश्किल ही लग रहा है, कुछ समझ आ रहा है। ठीक है, अब ये बताओ कि इसका प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाओगे। सिंपल है, इसी मंथ का अगर प्रोसेस अकाउंट आपको बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे। चलो मैं अभी रेट कॉलम छोड़ रहा हूं, इसमें छोड़ सकते हो आप भी। इसमें एक तो हमें लेना है ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP में यूनिट्स कितने थे, 4,000, और अमाउंट कितनी थी, 8,000। ये 8,000 कहां से आया सर, ये हमें वैल्यूएशन दी गई थी कि 8,000 उसकी वैल्यू थी। क्लियर है? तो एक तो है ये चीज ध्यान रखने वाली, ठीक है। बाकी आप सब लिख ही लोगे। RM कॉस्ट इस पीरियड की कितनी थी, 2 लेबर 2 ओवरहेड्स, ठीक है, वो आप लोग सब लिख लोगे। और इधर क्या आएगा, बाय फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स कितने थे, 14,000 यूनिट्स, रेट 50,000। और क्या लोगे, बाय क्लोजिंग WIP। WIP क्लोजिंग कितनी आएगी, 6,000 यूनिट्स और 13,600। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट। उसमें ये चीज मत भूल जाना लेनी, ओपनिंग WIP। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये था हमारे पास फीफो मेथड। फीफो मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी समझने वाली वो ये पार्ट था कि जब फिनिश्ड गुड्स इस पीरियड में आए तो उसमें से सबसे पहले हम ये मानेंगे कि जितनी ओपनिंग WIP थी हमने वो पहले कंप्लीट की, उसके बाद करंट पीरियड की इनपुट को प्रोसेस किया हमने। ठीक है जी, तो फिनिश्ड गुड्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे कि ओपनिंग कितने थे और करंट पीरियड का कितनी थी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। फीफो मेथड क्लियर है? चलो जी, अब वेटेड एवरेज मेथड भी फटाफट से कर लेते हैं, खत्म होगा टॉपिक हमारा। बहुत सिंपल है, अगर फीफो समझ में आ गया तो वेटेड एवरेज सिंपल है। वेटेड एवरेज मेथड, अब जब फीफो मेथड की बात की थी तो हमने क्या कहा था कि ये जो फिनिश्ड गुड्स हैं हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ओपनिंग और करंट में किया था।
लेकिन जब वेटेड एवरेज की बात करते हैं वो कहता है डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 8,000 उठा लो, काम ख़त्म। जो अभी तक करते आए थे वो कहता है कि यहाँ पर इनपुट कितनी ले लो 12,000 की, वो कहता है सिंपल करो, इनपुट ले लो 12,000 की, आउटपुट ले लो 8,000 की। हुआ तो 100% ही है काम इस पर, दोनों पे 100% लेके काम ख़त्म। कैसे? इसी क्वेश्चन में ले लेते हैं, इसमें स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना लेते हैं, वेटेड एवरेज मेथड से बनाएंगे हम लोग, ठीक है जी। सेम क्वेश्चन, विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड, राइट? इनपुट्स, देन पर्टिकुलर्स, आउटपुट, मटेरियल कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है जी, चलो अब वो क्या कहता है, यहां पर अब हमने इनपुट क्या ली थी, अलग अलग करके ली थी ओपनिंग और क्लोजिंग की फीफो में, ठीक है। इसमें वो कहता है सारी की सारी इकट्ठी ले लो, खत्म करो, कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है जी। दिस इज नंबर ऑफ यूनिट्स पुट टू प्रोसेस, वो कहता है टोटल देखो, टोटल कितने यूनिट्स डाले, चाहे वो ओपनिंग थे चाहे इस पीरियड के थे, सब कुछ पुट टू प्रोसेस कर दिया हमने, काम खत्म। आउटपुट कितनी आई, 14,000 की। हमने क्या किया था, अलग अलग करके लिया था, 4,000 ओपनिंग में लिया था, देख लेते हैं, 4,000 मैंने ओपनिंग में लिया था, 10,000 करंट पीरियड में ले लिया था। यहाँ पर वो कहता है पूरा के पूरा 14,000 हमारा इसी पीरियड का है, बस काम ख़त्म। अगर इस पीरियड का मान के चल रहे हैं तो हम ये भी मान के चलेंगे मटेरियल कॉस्ट पूरे पर लगी और कन्वर्जन कॉस्ट भी पूरे पर लगी, ठीक है जी। फिर आया मेरे पास क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, कितना, 6,000 यूनिट्स मटीरियल 100% और कन्वर्जन कॉस्ट 33.1/3%, ठीक है जी। ओ सॉरी 2,000, तो यहाँ पर क्या हुआ 20,000 और यहाँ पर 14,000 और 2,000 16,000, क्लियर है। तो वेटेड एवरेज में वो क्या कहता है कि वो कहता है कि आपको ओपनिंग और जो करंट इनपुट है उसको इकट्ठा लो, जो आउटपुट आई उसको भी बाइफरकेट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इकट्ठा ले लो कि हमने इकट्ठा डाला था इकट्ठा निकल गया, उस पर 100% मटीरियल लगी 100% कन्वर्जन लगी, काम ख़त्म, ठीक है जी। उसके बाद स्टेटमेंट आप बना लोगे, सिंपल है। अब इसमें जब WIP कैलकुलेट करोगे ना, वहाँ पर आपके पास कुछ नहीं आएगा, वहाँ पर सॉरी ओपनिंग WIP की वैल्यूएशन में नहीं आएगा, यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूएशन करोगे, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कितने 14,000, डायरेक्टली क्या लोगे 14,000 इंटू कॉस्ट पर यूनिट, सिंपल, जैसे अभी तक करते आ रहे थे। फिर क्या आएगा, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग WIP, ठीक है जी। तो ये आप लोग अब खुद सॉल्व करोगे वेटेड एवरेज मेथड से। मैंने स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना के दे दी, इसका मतलब है कि जब हम वेटेड एवरेज मेथड की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास ओपनिंग WIP का कोई वजूद नहीं है, राइट? ओपनिंग WIP का हमारे पास कोई वजूद नहीं है अगर हम वेटेड एवरेज मेथड की बात करते हैं। आप मेरे को ये बताओ, अगर ये दोनों मेथड्स अच्छे से समझ आ गए तो मेरे को ये बताओ दोनों में से बेटर मेथड कौन सा है। ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि सर बेटर मेथड कौन सा है, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्यों, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि दोनों मेथड्स में फर्क क्या आया और कौन सा मेथड बेटर है। अगर आप मेरे से पूछो तो मैं कहूंगा फीफो मेथड इज बेटर देन वेटेड एवरेज मेथड, क्यों, मेरा आंसर रहेगा कि जो फीफो मेथड है हमारा वो वेटेड एवरेज मेथड से बेटर मेथड है। तो अब आपकी तरफ से क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ऐसा क्यों है। जो हमारे ओपनिंग यूनिट्स थे WIP के, ठीक है, 4,000 यूनिट्स,
उस पे मटेरियल कितना लग चुका था पिछले पीरियड में, 100% लग चुका था, 100% कॉस्ट हमने वहां पे ले ली थी उसकी। तो हमने यहां पर क्या किया वेटेड एवरेज मेथड में, हमने दोबारा से उसकी 100% कॉस्ट यहां पर ले ली, तो इससे क्या हुआ, कॉस्ट दो बार ऐड हो गई, आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। जो ध्यान से समझना, जो 4000 यूनिट्स ओपनिंग WIP के थे, उस पर जो मटेरियल कॉस्ट थी वो तो कॉस्ट हमारी पिछले पीरियड में इनकर हो गई थी, तो हमने इस पीरियड में जाकर फिर से उस 4000 यूनिट्स के ऊपर कॉस्ट ले ली 100%। क्या ये डबल कॉस्टिंग नहीं होगी, क्या इससे कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी? आप कॉस्ट पर यूनिट और वो निकाल के देखो, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वो कॉस्ट फीफो मेथड से ज़्यादा आएगी आपकी, वो कॉस्ट फीफो मेथड से ज़्यादा आएगी आपकी, ठीक है जी। और जो कन्वर्जन कॉस्ट थी वो भी 25% तो हमने पिछले पीरियड में लगा दी थी, तो इस पीरियड में तो लेनी चाहिए थी 70%, हमने कितनी ले ली, हमने ले ली 100%। तो इसलिए अगर आप मेरे से पूछो, मेरे हिसाब से फीफो मेथड इज बेटर देन वेटेड एवरेज मेथड, राइट? मेरे हिसाब से फीफो मेथड इज बेटर देन वेटेड एवरेज मेथड, राइट? मेरे हिसाब से कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं ना एग्जाम में आएगा, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज सेक दैट कि कौन सा मेथड हमारे पास बेटर है, ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए। चलो यहां पे हमारे मेथड्स कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट स्टेटमेंट ऑफ, अब इसी की बात करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉर अ प्रोसेस अदर देन प्रोसेस वन। अभी तक हमने जितनी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाई वो हमने ये दिमाग में रख के बनाई कि वो हम प्रोसेस वन की स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना रहे हैं, ठीक है जी। तो अब क्या कहते हैं, अब हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाएंगे फॉर द प्रोसेस अदर देन प्रोसेस वन, राइट? क्लियर है? तो ये लोग हम ये अब चीज हम कब करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। चलो, सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज फ्रेंड्स, यू कैन सेंड मी एन ईमेल एट ksjteaching@gmail.com, right? And you can also visit the website for all the notes, all the questions, that is www.ksjteaching.org, right? So that's all for this lecture, friends. Thank you so much.